नेतागण, सब कार्यकर्ता बंधु, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मैन जी, सांसद दुष्यंत सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री मंत्री हुआ सब बैठे हुए हमारे सब नेतागण और कार्यकर्ता बंधु, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद नोएडा के विधायक डॉक्टर महेश जी शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर किरण यादव जी, पूर्व विधायक राधा राम जी, प्रधान ई मैनाटी भगवान जी, पूर्व हमारे नगर पालिका के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष संजय जी और आपके विधायक डॉक्टर जसवंत जी, आपको प्रणाम। आज तीज का दिन है और तीज के दिन आप सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ, सब लोगों को, सब मेरी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, सबको यहाँ इतनी भारी संख्या में आप लोग सब उपस्थित हुए हो, बरसात के बावजूद भी मेरे सब भाई और मेरे सब बुजुर्ग आपको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप लोगों ने इस कीचड़ में, इस पानी में यहाँ सब इकट्ठा होके आप लोगों ने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी और हम लोग सबकी हौसला अफजाई की, उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके यहाँ भी कह रहे मेरे को कि इतनी देर क्यों लगी, कल से मैं खेरी मोड़ से चलते चलते आज तक आपके पास आई, क्या रोड है आपके, इनको तो सोने में मर के रख देना चाहिए, ऐसे यादगार आप लोगों को तो ऐसे रोड में समझती हूँ कि आपके क्षेत्र के अंदर कढ़ाई, पर हो सकता है कि आपको खुशी होगी ये सुन के कि राजस्थान के सातों संभाग में यही हाल है, कहीं मेरे को ऐसा रोड नहीं मिला जिस रोड के ऊपर मैं कह सकती हूँ कि हाँ इस सरकार ने पैसे खर्च किए हो, ऐसा कहीं नहीं मिला। और मैं आपको ये भी कह दूं कि पूरे पूरे क्षेत्र के अंदर मेरे को बिजली की मुसीबत मिली, यहाँ भी होगी, मेरे पानी की मुसीबत मिली, यहाँ भी होगी, मेरे सड़क की मुसीबत मिली तो यहाँ भी है, मुझे डॉक्टर की, टीचर की, रोजगार की सब दूर मुसीबत हुई वो यहाँ भी होगी। मैं पानी के लिए पता करना चाह रही थी, मैंने देखा कि पूरे क्षेत्र के अंदर जहाँ से मैं देखी हूँ, या तो क्लोराइड का पानी है, या खारा पानी है, या पानी नहीं है, अगर आता है तो 15 मिनट आता है या 20 मिनट आता है, मुश्किल से कहीं कहीं आधा घंटा आता है, परंतु किसी ने पानी की पूरे राजस्थान के अंदर चिंता नहीं की है। सब सोचते हैं कि हम तो मालूम नहीं 21वीं सदी में पहुंच गए, तो मालूम नहीं कहां पहुंच गए। आज 65 साल के लोकतंत्र के बाद भी अगर हमको मूलभूत सुविधाएं माता बहने नहीं मिलती है तो सोचो क्या हालत हो रही है पूरे राजस्थान में। आज 65 साल निकल गए, मेरे को निकाल दीजिए 5 साल, भैरव सिंह जी को निकाल दीजिए 7 साल, ये 12 साल अगर आप निकाल देते हो तो 53 साल हमने लगातार कांग्रेस सरकार को राजस्थान के अंदर किया है और ये दस में पहुंचाने का काम आज आपको जो दिखाई दे रहा है ये सब कांग्रेस वालों की बुरी नियत और बुरी आदत है। तो दशा और दिशा राजस्थान की बिल्कुल आगे ले जाने की चाहती, विकास करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो जानते हैं कि विकास अगर होता है तो कांग्रेस वालों को एक मिनट भी कुर्सी पे बैठने का कोई मौका देगा नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, 153 साल, 15 साल मिले हैं आपको नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी ने 15 साल के अंदर हमने गुजरात का क्या हाल बना के रख दिया है वो दुनिया के लोग उसको मानते हैं। आपके शिवराज सिंह जी जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर हमारे देश के पति के ऊपर मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है, एक को 10 साल मिले, दूसरे को 15 साल मिले और यहाँ 53 साल के बाद घर पर पहुंचाने का काम किया है कांग्रेस ने। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती और पूरी 53 साल मिल जाते तो गुजरात के
का नाम है वो राजस्थान का व्यक्ति है और मैं इसलिए कहती हूँ कि जहाँ राजस्थान के आदमी ने तय कर दिया कि यहाँ मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो उसकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती है। अगर वहाँ उसने कह दिया कि मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई का काम करूंगा तो जहाँ जिस फील्ड में उसने काम उठाया उसका काम उसके तरीके से वहाँ पहुँचता है। इसे मैं जानती हूँ कि राजस्थान के लोगों को अगर मौका मिल जाता है तो राजस्थान की जनता कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। मौका मिलना चाहिए और माता बहने आज मैं निकलने आ रही थी तो मैंने माता बहनों से बहुत सारी माता बहनों से बात करने का मौका मिला। एक जगह पर तो हमारे पूरे परिवार ने हमारी पूरे माता बहनों ने रोक के मेरे को पीपल के पेड़ से बहुत सुंदर सा झूला बना के कहा कि आज आप लोगों का तो ये 30 दिन है झूले में बैठना पड़ेगा। मेरे इतने साफ निकल गया आज दिन तक मैं तो झूले में बैठी नहीं हूँ। मुझे झूले में बैठने का मौका आप लोगों ने दिया बड़ा मजा आया बहुत मजा आया और उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मेरी माता और बहनों की इज्जत जब तक नहीं बन जाती इस राजस्थान के अंदर तब तक ये राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता भाई। जब अपने परिवार की माता और बहन की हमारे इज्जत को और अपने माता और बहन के स्वाभिमान को हम बना के नहीं रख सकते तो आपका परिवार जाएगा आगे तो कैसे जाएगा। हमारी बरकत है हमारी माता और बहनों की इज्जत। और मैं कहती हूँ कि आज जिस तरीके के अत्याचार आपके साथ हो रहे हैं माता बहने शर्म से सिर झुक जाता है। मैं कभी कभी देखती हूँ जयपुर के अंदर देखती हूँ तो माता बहनों के साथ ही नहीं बच्चियों के साथ जिस तरीके के अत्याचार हुए हैं और जो मुखिया परिवार का मुखिया अपनी बेटी और बहू अपनी बिटिया की इज्जत को नहीं बचा के रख सकता है उसको चुल्लू भर पानी में ढूंढ के मर जाना चाहिए क्योंकि उनका परिवार अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ माता बहने इसलिए मैंने आपके लिए एक बिजली का इंतजाम किया था जो आज तक राजस्थान के अंदर नहीं हुआ। एक सिंगल फेज की लाइन माता बहनों के लिए स्पेशल मैंने निकालने की बात की। 3 फेज की बिजली को किसान को मिलती है परंतु महिलाओं को कुछ नहीं मिलती तो हमने ये सोच करके एक अलग से लाइन आपके लिए निकालने की बात की। और मैंने आपको याद है कि 2008 के अंदर निकलते निकलते 18 से 20 घंटे बिजली आपको देके छोड़ा और अगर 6 महीने और रुक जाते तो 24 घंटे आपको घर के अंदर बिजली देने का काम मैं करती। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ माता बहने कि बीजेपी की सरकार आएगी तो सबसे पहले घरेलू बिजली देने का काम हमारी माता और बहनों को छोड़ेंगे नहीं करके देंगे 24 घंटे बिजली आप लोगों को करके देंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मेरे भाई किसान भाई कांग्रेस का मैं घोषणा पत्र पढ़ती हूँ तो सबसे पहले लिखा हुआ मिलता है कि किसानों को 3 फेज की बिजली पर्याप्त और बिना ट्रिपिंग के आराम से हम देंगे। 8 घंटे बिजली मिल रही है किसान भाइयों को मिल रही है क्या? मुश्किल से 2 या 3 घंटे बिजली मिलती है। मैं समझती हूँ कि मुश्किल से 3 घंटे बिजली मिलती है वो भी ट्रिपिंग के साथ। और गाँव के अंदर सब लोगों ने मुझे सलाह के यही कह दिया है आपको बिजली अच्छी मिलती नहीं है इसलिए आपको पानी भी सही नहीं है और अगर पानी भी सही बिजली भी सही नहीं अगर बीज भी सही तरह से नहीं मिलता है और अगर सही तरीके से हम लोगों को खाद नहीं मिलता है तो मेरी फसल वो बिगड़ना ही है और वो बिगड़ी हुई फसल मैं कहाँ देके मुआवजा निभाऊंगा। ये मेरे किसान की आज राजस्थान के अंदर फायदा हो रहा है। मैं सब किसानों को ये कहना चाहती हूँ कि आप एक ट्रांसफार्मर अगर जल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में हम आम लोगों को 62 घंटे के अंदर वापस लौटाते थे। अब आपको 62 घंटे में मिलता है क्या? ट्रांसफार्मर मिलता है क्या 62 घंटे में? सबको ये बता दूं कि ये 62 घंटे में तो क्या 5-5 महीने नहीं मिलता है और जब मिलता है तो रिश्वत के बिना आप किसी के घर में नहीं जाता है। क्या ये सही है? सही है। मैंने पता किया हफ्ते भर कोई कहता है 5,000 कोई कहता है 10,000 और कोई कहता है कि साहब अर्जेंसी का सवाल है। अगर अर्जेंट है तो चार पैसे देने पड़ते हैं। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि ये PCR एक नई बात है। ये PCR के द्वारा करंट लगता है तो बिलों के अंदर लगता है बिजली के अंदर नहीं लगता क्योंकि बिजली तो आती नहीं है। और मैं सब लोगों को कह रही हूँ मैंने तो अफसरों को भी कह दिया है भला आपकी मीटिंग के अंदर बार बार कहती हूँ कि जिन लोगों ने इस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय किया है उनको दंडित किया जाएगा। जब सरकार अपनी आएगी और जो पैसा उन्हें लूटा गया है वो पैसा
नहीं दे और पूरी बिजली का पैसा ले ले तो ये तो हो नहीं सकता है। क्या हुआ नहीं कर रहा? ये तो आपको कहना चाहती हूँ कि ये मैंने जो देखा बिजली के बिल, ये पीसीआर, ये पीसीआर को मैंने सबको कह दिया है कि अगर गलत किस्म से पीसीआर आप लोगों के ऊपर रोका जाएगा तो कोई पेमेंट उसका नहीं करने वाला। मैंने इन लोगों सबको कह दिया है कि बिजली के बिल पेमेंट तो हम कब करेंगे जब बिजली आप हमको पूरा दोगे। आज पूरी बिजली देते नहीं हो उसके बावजूद हमसे बिजली का पूरा बिल लेते हो। 4,000 का बिल दिखता है कहीं तो 40,000 का आ जाता है। हम लोगों ने 10,00,000 बच्चों को नौकरियां दी थी तो आने वाले समय के अंदर भी इसी तरीके का प्रबंधन करने की हम लोग कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को इस तरीके से बैठने की जरूरत नहीं होगी। मैं सब लोगों को ये कह दिया है कि एक नया राजस्थान हम लोगों को बनाने की जरूरत है। आज जो स्थिति हो गई है हमारी महिला पैरों पर नहीं खड़ी होती, आज वो स्थिति हो गई है कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, आज वो स्थिति हो गई है कि हमारा किसान बिल्कुल ही मजबूर नहीं है। यहाँ तक हो गया कि हमारा किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो चुका है। ऐसी स्थिति के अंदर हम चाहते हैं कि हम व्यवसाय का इंतजाम करें। आज आपके नीम राणा और आस पास के अंदर इतनी सारी फैक्ट्रीज आ गई है, मुझे याद है कि यहाँ कुछ नहीं था उस समय में। यहाँ आके खड़े होके तो यूनिवर्सिटी को NIIT का यूनिवर्सिटी का काम चालू किया, उसी समय से ही कॉलेज को ला के रखा, उसी समय आपके होंडा सीएम को ला के रखा। आज नीम राणा और चारों ओर हमारी फैक्ट्री लगना शुरू हो गई है और मैं कहती हूँ कि अगर बिजली पानी और सड़क उनको मिल जाता है तो यहाँ से कोई रुक के नहीं जाएगा और हमारे बच्चों को नौकरी करने का भी मौका ऐसी जगह पे भी मिलेगा। और मैं विश्वास करती हूँ तो करने के लिए हम लोग सबको मिल के काम करने की जरूरत है। अब आजकल क्या हो गया है, 4 महीने बाकी बच रहे हैं। मैंने सब लोगों को कह दिया है कि ये 4 महीने बाकी बच रहे हैं तो कई सौगातें दी जा रही। हमने कभी भी इलेक्शन और वोट के पीछे आप लोगों के बीच में आके ऐसे सौदेबाजी नहीं की। यहाँ लोगों को कहा जा रहा है कि भैया पेंशन ले लो, कोई कहता है कि लैपटॉप ले लो, कोई कहता है कि अगर गेहूं की जरूरत है तो गेहूं ले लो, और कोई कहता है कि महिलाओं को लुगड़ी और साड़ी देने का काम भी अगर उनको चाहिए तो वो भी ले लो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 4 साल क्यों नहीं किया? बाबा साहब की योजना मैंने महिलाओं के लिए चालू की थी, उस बाबा साहब की योजना के अंदर 50,00,000 परिवारों को पेंशन भी मिलता, महिलाओं को 1,500 रुपए भी मिलते, महिलाओं की इज्जत बरकरार होती, परिवार के लिए वो लड़की बेटी और वो पैसों का इंतजाम करती। उसी कार्ड के ऊपर 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी मैंने जोड़ रखा था और उसके साथ साथ उसका पेंशन और ये सब काम आप लोगों को मिल जाते। तो मैं जानती हूँ कि उस दिन से लेके 2007 से लेके अब तक आप लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होती, परंतु अभी जल्दीबाजी में आप पेंशन का काम करा रहे हो। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे को ये कहते रहते हैं इन लोगों ने जल्दीबाजी में तो ये करा दिया, पर हमें नहीं मालूम कि कितने दिन तक चलेगा कितने दिन तक नहीं चलेगा। क्या हमारे ये झुंझुना तो नहीं पड़ रहा है? ये तो पुरानी आदत है, आप सब जानते हो। मैं इसलिए सब लोगों को कह रही हूँ आई हो हमें ना तो झुंझुना पकड़ाना है ना जिस तरीके से लैपटॉप से आपके अलवर के अंदर ही आपको याद है कितनी बच्चियों ने धरना देके ये कह दिया कि ये लैपटॉप हम नहीं देंगे, हमें ऐसे लैपटॉप की जरूरत नहीं है। किसी तरीके से कई जगह के अंदर बच्चियों ने अपने लैपटॉप वापस देने का काम किया और कहा कि हमें देते हो तो अच्छा दो नहीं तो मत दो। हमारे झालावाड़ के अंदर एक मंत्री गए, उन मंत्री ने लैपटॉप बांटने का काम चालू कर दिया तो उनके पेट में बात रही नहीं। आखिर में उन्होंने कह ही दिया अरे बच्चे लोग ये लैपटॉप ले लो और 2 महीने के अंदर चुनाव आएगा तो उस समय अपनी मम्मी और पापा को कह देना कि मेहरबानी करके कांग्रेस को वो जरूर वोट दे। अब ये तो आप कह रहे हो कि हम तो लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, परंतु वो पेट की बात पेट में नहीं रही, आखिर में निकल के बाहर आ गई और सब लोगों को मालूम पड़ गया कि किस विषय से और किस वजह से ये काम में लगे हुए। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ पैसा तो काफी का है, इसलिए लेने में चिंता मत करो, जरूर लो, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो वो तो उनका भ्रष्टाचार के पैसे के साथ तो काला धन जाके बड़े बड़े स्विस बैंक के अंदर बच जाएगा। मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों के भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों ने आके छवि का भ्रष्टाचार किया है, इन लोगों ने अभी अभी रिफाइनरी के नाम पे फालतू और पचपदरा और भारत के अंदर जोरदार पैसा कमाया और उसके साथ साथ खरीद में किया है, उसके साथ
सर लेक्चरर की पोस्टिंग पे की है, कौन सी बात नहीं है होटल बनाया तो होटल के अंदर किया है, कौन सी बात नहीं है जिसके अंदर इन लोगों ने पैसे नहीं बनाए हैं। जनता को तो ये कहते हैं कि आपके वोट की हमें जरूरत है और दूसरी तरफ से अपने जेब भरने का पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जो लोग इस तरीके से जनता के पैसों को अपने ऊपर निछावर करने का काम कर रहे हैं, क्या उनको सरकार में बैठने का हक है? नहीं है। और इसीलिए कह रही हूँ, अब समय आ गया है अपने उसके बारे में अपने को सोचना है। इसीलिए कह रही हूँ आपको कि एक नया राजस्थान हम लोगों को बनाना है, पर ये नया राजस्थान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बना सकता। ये जादू आप लोगों के हाथ का है और इस जादू को आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि 36 के 36 गांव और सब मजहब एक साथ मिलके प्यार से पढ़ेंगे तो राजस्थान का विकास होगा, नहीं तो राजस्थान का विकास नहीं हो सकता है। भाइयों, आप लोग सब यहाँ बैठे हो, माता जी ने आप लोग सब जानते हो कि परिवार के अगर चार भाई होते हैं और अगर वो चार भाई एक साथ काम करते हैं तो उनका परिवार आगे बढ़ जाता है, और वो चार भाई अगर लड़ते हैं तो वो परिवार टूटता ही है, और इसीलिए 50 साल से राजस्थान आगे नहीं बढ़ पाया। अब मैं कह रही हूँ भाइयों, एक नया नुकसान दे दू, पूरा नया राजस्थान अगर हमको बनाना है तो हम लोग साथ मिलकर बनाने का काम करें, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। और लोग मिलकर चलेंगे, प्यार मिलकर चलेंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि कोई भी आप लोगों के बीच में आ नहीं सकता है और आपका काम करके छोड़ेंगे जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में हुआ है। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वाभिमान और हमारी इज्जत का सवाल है। राजस्थान एक जमाना था वहां था, सब लोग चाहते थे कि सबसे अग्रणी प्रदेश अगर कोई है तो वो राजस्थान है। आज हम लोगों को बीमारू प्रदेश मानते हैं लोग। हमने किस मुश्किल से बीमारू प्रदेश को अपने पैरों पे खड़ा किया वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ महानरेगा का काम चल रहा है क्या? चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। 13,000 करोड़ रुपए का जोरदार घोटाला हुआ है। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 2003 में सबसे अच्छा काम करने वाला महानरेगा के अंदर राजस्थान प्रदेश था, पूरे देश में नंबर एक पे था और 36 लाख लोगों को नौकरी देने का काम हम लोगों ने किया, उनको पैसे भी समय से दिया। और राजस्थान के अंदर जो परिवर्तन किया हमारी उन लोगों की वजह से बनी, क्योंकि उन लोगों ने राजस्थान के लिए काम किया। क्या तैयार हो काम करने के लिए? क्या करने के लिए तैयार हो? कोई डरेगा तो नहीं? हिम्मत के साथ काम करने को तैयार हो? क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 5 महीने की सरकार नहीं चलानी, हम लोगों को 5 साल की कार्य योजना की सरकार चलानी है और एक ऐसा राजस्थान बनाना है जिसको देखने के लिए दुनिया के लोग आगे कहेंगे कि हाँ ये है राजस्थान। और स्वाभिमान हमारी इज्जत हमको मिले, अगर हाँ तो दोनों हाथ ऊपर करके हमें बता दो कि हाँ हम लोगों को करना है, हम लोग मिलकर राजस्थान बनाएंगे। तो एक जोरदार नारा मेरे साथ माता बहने, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, सब लोग साथ करेंगे, साथ करेंगे।